दीपावली के बाद आने वाले सिंधी समाज के सबसे बड़े त्यौहार बड़ी एकादशी पर सिंधी लोग खाते हैं ग्यारसी पेटीज की भाजी यानी स्पेशल सब्जी, और ये मिलती है मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में। कई सालों पुराने लड्डा के होटल यानी सिद्ध विनायक रिफ्रेशमेंट में आइए देखते हैं कैसे बनती है यह सब्जी और लोग कितना इसे पसंद करते हैं। आज एकादशी है, एकदम स्पेशल दिन है। इस दिन अनाज नहीं खाया जाता है, ये उपवास ही खाना खाया जाता है। इनका ये धंधा दो पीढ़ी से चल रहा है, पहले इनके पापा भी देते थे, अभी ये भी देते हैं। इनका चीप एंड बेस्ट होते है। कोफ्ता, उपवास का जो कोफ्ता वो लेने आए हैं। आज ये बड़ी एकादशी है और यहाँ पे क्या एकदम प्योर वही मिलता है कि बराबर इसी में, तो बाकी सब जगह पे सब साथ में मिक्स करते हैं तो इसके लिए उसमें मजा नहीं आता है। उपवास के टाइम पे उपवास का ही खाना होता है। ये जब इनके पिताजी गाड़ी पे लगाते थे तब से इनके पास से लेते हैं। हम लेने आए इधर बी का पेटिस लेने आए हैं, और बी का बूंदा है और भाजी है बी और आलू की। एक हम तो ये जो भाई साहब खड़े हैं इनके पिताजी के टाइम से आते हैं। वही बचपन से ही आ रहे हैं हम लोग। बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी होता है। और क्या ये एकादशी है ना, खाने में हल्का होता है बहुत। और ये बी आलू की भाजी है जो साल में एक ही बार बनती है और ये लोग बड़े प्यार से खाने के लिए इधर आते हैं। कम से कम 2000 लोग खाते हैं, 2 से 3 हजार लोग आते हैं। मैं लेने के लिए आई ये वड़ा लेने को आई और छोला लेने को आई, और उपास का जो खाना था बहुत अच्छा था। इधर सब कुछ खाना बहुत अच्छा बनता है, पुलाव भी अच्छे बनते हैं, वड़ा पाव भी अच्छा बनता है, बहुत इनका खाना बहुत अच्छा है सबको। यहाँ पे 20 साल से आती हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना है। ये एकादशी का ग्यारसी पेटिस की भाजी है और ये 35 ईयर्स के ऊपर से बनती है। और साल ये बनाते हुए हम लोग ख्याल यही रखते हैं कि सब लोगों को मिले अच्छे से खाने के लिए, और टेस्ट वही रहे जो हमेशा रहता है। खाने में अच्छा है, टेस्टी है, ऐसा जितना नाम सुना था वो हिसाब से अच्छा है। बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा है। हमारा वाशी से आना वसूल हो गया, हम खास यही खाना आए थे।